अजीम उस्तान जलसा दस्तार बंदी हाफिज कराम व इस्लाह माशरा का एक दिवसीय प्रोग्राम बस्तवानगा के मदरसा इस्लाह उल मुसलमीन शनिवार की आयोजित की गई। मुख्य अतिथि बिहार ओडिशा झारखंड के अमीर सैयद मौलाना अहमद फैशल वली रहमानी ने कहा, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कुरान पाक रूहानी ताकत के साथ इंसानियत व भाईचारा का पैगाम देता है। कुरान को समझने और इसको याद रखने की कोशिश हमारे ईमान के फराइज हैं। उन्होंने कहा, कुरान में जो बातें कही गई आम जिंदगी में सच साबित हुआ है। आज हमारे समाज के 143 बच्चे मदरसा व स्कूल से बाहर है, उसकी फिक्र हमें करनी चाहिए। सभी मजहबों का एहतराम कर सादगी जीवन अल्लाह को पसंद है। नायब अमीर सरियत मौलाना शमशाद रहमानी ने शब ए बारात व रमजान की फजीलत पर चर्चा कर कहा, अल्लाह की याद में पांचों वक्त नमाज अता करना इस्लाम के चाहने वालों पर फर्ज है। हसद व नफरत करने वाले कभी अल्लाह के करीब पहुँच नहीं सकते। वैसे लोगों को जिंदगी में ही सब कुछ देखना बनता है। पटना अमीर सरिया के नाजिम मौलाना शबली अलकासमी ने कहा, कुरान को मुकम्मल हिफ्ज कर उसके फराइज पर अमल करने वाला दीन व दुनिया का असल हकदार होता है। प्रोग्राम कन्वेनर मौलाना मुजाहिद इस्लाम रहमानी ने कहा, तालिबे इल्म को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर मुस्तकिल संवारने चाहिए। घरों के औरत के बीच पर्दा की पाबंदी होनी चाहिए। मौके पर देवबंद दारुल उलूम शेख उल हदीस मौलाना इजहारुल हक मुफ्ती आसिम अलकासमी तलावत कुरान से दीनी प्रोग्राम की इब्तदाकारी मुमताज अहमद व निजामत मुफ्ती मुजाहिद इस्लाम कासमी ने की। मौके पर मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मौलाना एजाज अहमद मौलाना शमसुल हक जदयू अकलियत अध्यक्ष हाफिज अबू सहमा उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर अधिवक्ता मंजरुल इस्लाम पूर्व मुखिया अमजद अब्बास सनोर अली सद्दाम हुसैन नूर आलम सरफे आलम कैसर खान सना खान पंचायत समिति शकील खान तमन्ना अंसारी सरपंच प्रतिनिधि सरफराज आलम ने सभी उलमा कराम का पटना से आने के दौरान सिमरी थाना चौक पर इस्तकबाल किया। दस्तार बंदी में शामिल मदरसा 17 तालिबे इल्म को किया सम्मानित। इमारत सरिया फैसल रहमानी ने अपने 10 क्रम से मदरसा इस्लाह उल मुस्लिमीन ड्रेस व मेडल से नवाज गया। मोहम्मद मुंशी मुशर्रफ आजम नासिर मोहम्मद असन शमशाद अशदुल इस्लाम अबू तलहा शम्स आलम यूसुफ अंसारी जशान आलम दिलशाद आलम फकरे आलम कुकल अंसारी मोहम्मद फैस नौशाद अंसारी रियान अंसारी मुशाहिद ने आयोजन समिति को आभार प्रकट किया।